हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शन एंड फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशियल। गाइस कैसे करते हैं, गाइस आइए गाइस समझते हैं, लेट्स सी। गाइस देखिए गाइस, इससे प्रीवियस वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों का डिफरेंशियल के बारे में। गाइस अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं गाइस, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में और फंक्शन ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस लेट्स सी, समझते हैं। देखिए गाइस, जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है उसको हम कैसे डील करेंगे। गाइस देखिए गाइस, सिंपल सा है। हमारे पास जो फंक्शन होते हैं गाइस, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक्सप्लिसिट, एक होता है गाइस इम्प्लिसिट। ओके, तो गाइस जिसमें एक्सप्लिसिट के बारे में बात करें, जितने भी अब तक के आप लोगों ने क्वेश्चन किए वे सब एक्सप्लिसिट है। इट मीन्स जहाँ पे वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स में गेट हो जाए या एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई में गेट हो जाए, जैसे वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के कॉस एक्स, इस तरह की जो कंडीशन होती है, यानी जहाँ पे वाई की वैल्यू, यानी जहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आसानी से सेपरेट हो जाते हैं, वहाँ होता है एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट क्या होता है गाइस? इम्प्लिसिट हम उसको बोलते हैं गाइस जहाँ पर गाइस आप क्या नहीं कर सकते गाइस, इम्प्लिसिट, ठीक है ना। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में आप क्या नहीं कर सकते गाइस, जहाँ पर एक्स और वाई को आप सेपरेट नहीं कर सकते गाइस, ठीक है ना। सेपरेट मतलब जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स एंड वाई, क्या आप यहाँ पे एक्स वाई को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो यानी इस टाइप के फंक्शन जहाँ पे एक्स और वाई, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते गाइस, वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शनों को। आई होप गाइस अब आपको मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी होगी गाइस। आइए गाइस अब समझते हैं इम्प्लिसिट फंक्शनों का डिफरेंशियल कैसे करेंगे। लेट्स सी गाइस, फॉर एग्जाम्पल बेस गाइस आपसे पूछ लिया गया कि फाइंड करो डी वाई अपॉन डी एक्स गाइस, और क्वेश्चन लिखा हुआ है गाइस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो ध्यान रखें गाइस, ये फंक्शन में देखो क्या आप यहाँ से एक्स और वाई को अलग कर पा रहे हो? नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी भी हालत में यहाँ एक्स वाई अलग नहीं हो सकता। जब गाइस एक्स वाई अलग नहीं हो सकता है तो हम डायरेक्ट डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे ऑन डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स गाइस, ठीक है ना। तो गाइस देखिए ध्यान से समझना गाइस, बहुत सिंपल तरीका है डिफरेंशियल करने के लिए। हम क्या करेंगे, जैसे एक्स क्यूब लिखा तो यहाँ पे एक्स क्यूब का डिफरेंशियल बताओ कितना होता है गाइस, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब आ गया। वाई क्यूब का मतलब कितना हो गया, थ्री वाई स्क्वायर। और फिर जब तुम वाई का करो, क्यों? क्योंकि वाई एज ट्रीट इन योर माइंड एक्स, तो ये बन गया एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डिफरेंशियल थ्री एक्स स्क्वायर, यानी थ्री वाई स्क्वायर। और जिसको माइंड में एक्स ट्रीट किया उसका डिफरेंशियल, वाई का डिफरेंशियल गाइस डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि वाई फंक्शन है, वाई भी क्या होता है, फंक्शन होता है। अब देखो साइन एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई का थोड़ी नोन होता है, तो इसको अपने माइंड में क्या रीड करो, पूरे को एक्स रीड करो। बताओ साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा गाइस, कॉस एक्स। और जिसको अपने माइंड में आपने एक्स रीड किया उसका डिफरेंशियल बताओ, एक्स का डिफरेंशियल कितना गाइस, वन। एंड वाई का डिफरेंशियल गाइस कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स गाइस। आई होप गाइस आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी ये, ठीक है गाइस। तो गाइस इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स वाले एक साथ कर लीजिए, देखिए ध्यान से, ये आ गया थ्री वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब इधर लेंगे आप, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस के कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि आपने कॉस के वन के साथ मल्टीप्लाई करी कॉस के सर, इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर लाए तो माइनस के थ्री एक्स स्क्वायर। और जब आपने कॉस के वन के साथ प्रोडक्ट करी तो कितना आ गया, कॉस एक्स प्लस वाई। क्लियर होगी गाइस, ये कैलकुलेशन आपके हाथ में होती है गाइस। इस पूरे में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन, तो थ्री वाई स्क्वायर माइनस के कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस के थ्री एक्स स्क्वायर। इट मीन्स गाइस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया कॉस एक्स प्लस वाई माइनस के थ्री एक्स स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई थ्री वाई स्क्वायर माइनस के कॉस एक्स प्लस वाई गाइस। तो ये है गाइस आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शनों को डील करने का तरीका। ओके गाइस, आइए गाइस एक और समझते हैं इम्प्लिसिट फंक्शनों पे क्वेश्चन को, ठीक है गाइस। देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल बेस। देखो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। आप पहले क्वेश्चन को देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट का एक्सप्लिसिट का। मैं इसी में आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो क्वेश्चन एक्सप्लिसिट का भी होगा,
ठीक है ना, पर आपको पकड़ना है वो क्वेश्चन कि आपको बस मैंने एक टारगेट बताया, यदि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में निकल जाए तो उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट, और यदि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में ना गेट हो तो उसे आप कॉल करते हैं गाइस क्या, इम्प्लिसिट। ठीक है गाइस, तो गाइस यहां तक आपको मेरी बात बहुत अच्छे से क्या हो चुकी होगी, क्लियर हो गई होगी गाइस। ओके, अब गाइस देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास लिखा गाइस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3ax y गाइस। ठीक है गाइस, अब इसका डिफरेंशिएट करना, क्योंकि यहाँ पे एक्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई में गेट नहीं हो पाएगी, तो हमने क्या किया गाइस, सीधा डायरेक्ट डिफरेंशियल किया, ऑन डिफरेंशियल बताओ गाइस, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x² प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशियल 3y² और वाई का dy/dx गाइस। ठीक है, 3a एज इट इज, ये दो फंक्शन हो गए एक्स और वाई, दोनों किस में गाइस, प्रोडक्ट में, एक्स वाई दो फंक्शन हो गए दोनों प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट का क्या अप्लाई करते हैं, एक्स एज इट इज यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल dy/dx प्लस सेकंड एज इट इज और एक्स का डिफरेंशियल गाइस 1। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई 3ax dy/dx प्लस के 3ay गाइस, ये आपके पास आ गया 3x² प्लस के 3y² dy/dx, सब में 3 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए, आपके पास रह गया y² dy/dx की कंडीशन एक साथ माइनस के 3ax dy/dx इज इक्वल टू 3ay माइनस, सॉरी 3 कैंसिल आउट हो गए कॉमन लेके, माइनस x², तो dy/dx की वैल्यू रह गई गाइस ay - x² / y² माइनस के 3ax। आई होप गाइस आपको ये मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी होगी। ओके गाइस, चलते हैं गाइस इम्प्लिसिट फंक्शन का एक और क्वेश्चन समझते हैं। ओके गाइस, लेट्स सी गाइस। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन वाई इज इक्वल टू एक्स कोस ए प्लस वाई देन शो दैट dy/dx इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई कोस ए। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं किस तरह से क्वेश्चन को डील करूँ। गाइस आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा कि साइन वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, तो पहले ये देखिए क्या इनमें से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में निकल जाए या x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में गेट हो जाए, वो एज योर चॉइस, वो आपको देखना है। देखो गाइस बहुत सिंपल दिख रहा होगा, यहाँ पे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में गेट हो जाए बहुत इजी वे में, तो x इज इक्वल टू मैंने लिख लिया साइन y इज डिवाइडेड बाई कितना गाइस कॉस ए प्लस वाई। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब गाइस देखिए x डिपेंड कर गया y पे, तो x तो हो गया अब डिपेंडेंट वेरिएबल और y हो गया अब गाइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो मेरा जो डिफरेंशियल होगा गाइस अब ऑन डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू गाइस अब y के हो गया, यानी जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको x की फॉर्म में लिखवाए थे वो सभी y की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, यानी अब y कैसे हो गया गाइस इंडिपेंडेंट हो गया। अब इंडिपेंडेंट हो गया तो इंडिपेंडेंट को ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम लोग x को करते आ रहे थे गाइस। ओके, तो करो यहाँ पे कितना हो गया dx/dy गाइस, फर्स्ट अपॉन सेकंड का रूल्स लग गया, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, सारा रूल्स x वाला चलेगा, ठीक है ना, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई कॉस ए प्लस वाई एज इट इज, क्योंकि फर्स्ट अपॉन सेकंड, सेकंड एज इट इज, डिफरेंशियल यानी डिफरेंशियल ऑफ y किसके हो गया साइन y के, माइनस साइन y एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ गाइस आपके पास हो गया कॉस ए प्लस वाई के। आई होप यहाँ तक बात आपको मेरी क्लियर हो गई होगी गाइस। अब देखो गाइस कॉस ए प्लस वाई, बताओ साइन वाई का डिफरेंशियल कितना हो गया गाइस कॉस वाई, समझ में आ गया होगा मेरे, क्योंकि अब वाई का नहीं करेंगे क्योंकि वाई का डिफरेंशियल वाई के रिस्पेक्ट में वन हो गया। अब मेरी बात समझ पा रहे होंगे आई होप, मैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, इससे साइन वाई का डिफरेंशियल वाई के रिस्पेक्ट में कॉस वाई, इसी तरह से माइनस साइन वाई एज इट इज़ कॉस ए प्लस वाई का डिफरेंशियल, उसी को अपने माइंड में क्या रीड करो वाई रीड करो पूरे को, कॉस वाई, कॉस वाई का डिफरेंशियल माइनस के साइन वाई, और जिसको अपने माइंड में वाई रीड किया उसका डिफरेंशियल, ए का तो जीरो, वाई का कितना हो गया वाई के रिस्पेक्ट में वाई का डिफरेंशियल वन गाइज, इज डिवाइडेड बाई कितना गाइज कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई गाइज। देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला बन गया कॉस ए माइनस बी का गाइज, किसका फॉर्मूला बन गया गाइज कॉस ए माइनस बी का, इज डिवाइडेड बाई कितना गया गाइज कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो देखो गाइज वाई से वाई कैंसिल, आपके पास फाइनली गेट हो गया कॉस ए इज डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, या गाइज किसके dx/dy के गाइज रिवर्स कर दो तो कितना हो जाएगा dy/dx की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई कॉस ए। आई होप यही आपको प्रूफ करना था। तो गाइज आप इस तरीके से भी क्वेश्चनों को डील कर सकते हो, यदि सेपरेट हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा तो डायरेक्ट डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे, जो इससे पहले मैं क्वेश्चनों को डील कर चुका हूँ। तो आई होप गाइज अब आपको मेरा इम्प्लिसिट फंक्शन क्लियर हो
हो गया होगा। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है फंक्शन ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कशन। ओके गाइस, लेट्स सी गाइस। ओके गाइस, तो देखिए गाइस, जब बात समझते हैं, जब फंक्शन ऑफ फंक्शन का आपको डिफरेंशियल करना हो गाइस, फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशियल कैसे करें गाइस, उससे पहले आपको बेसिकली कुछ बातें याद रखनी है गाइस, मैथमेटिक्स की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉग ए की पावर एम, पावर साइड में एम लॉग ए रूल्स होता है। लॉग एम इंटू एन, यदि दो नंबर्स आपस में प्रोडक्ट में लिखो, लॉग बाहर है तो उसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। लॉग एम अपॉन यदि एन आ जाए तो गाइस ध्यान रखना, लॉग एम माइनस लॉग एन लिखेंगे गाइस। यदि गाइस लॉग बेस ए बी है तो बेस प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है ऊपर के ऊपर, लॉग बी डिवाइड बाई लॉग ए। ये रूल्स आपको याद रखने गाइस, चाहे दो के लिए आए, चाहे तीन के लिए आए, चाहे पाँच के लिए आए, सब में ये रूल्स अप्लाई करना। उसमें बात समझ में आ गई होगी गाइस मेरी, चाहे एम एन और पी तीन नंबर्स प्रोडक्ट में हो जाए तो क्या लिखोगे, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, इस तरह से लिखेंगे। समझ में आ गई गाइस, आई होप आपको मेरी पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा गाइस, ठीक है ना। तो गाइस समझिए, अब देखिए ध्यान से समझेंगे गाइस। देखो गाइस, क्वेश्चंस आपको कैसे कहेगा फंक्शन की पावर फंक्शन टाइप का। गाइस आपके पास क्वेश्चन कैसे होगा, उसमें लिखा होगा जैसे कि एक्स की पावर साइन एक्स, कहेगा कि डिफरेंशियल करना है इसका आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स गाइस। तो देखो गाइस, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाए तो गाइस हमेशा ध्यान रखेंगे, जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो हमेशा क्वेश्चन का सॉल्व करने का पैटर्न होता है गाइस, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड गाइस। क्या लेंगे गाइस, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे जब फंक्शन की पावर फंक्शन होगी। तो लॉग वाई इज इक्वल टू गाइस लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है गाइस, लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, जब फंक्शन की पावर फंक्शन का क्वेश्चन होगा। ये जरूरी नहीं कि एक्स का फंक्शन हो, वो वाई का फंक्शन भी हो सकता है गाइस। ओके गाइस, अब गाइस देखिए, लॉग ए की पावर एम, पावर साइड में एम लॉग ए लिखा करते हैं गाइस। ओके गाइस, तो इसे हम लिख सकते हैं गाइस साइन एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग वाई, ठीक है गाइस। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे गाइस, कीजिए गाइस डिफरेंशिएट ऑन डिफरेंशियल, ठीक है गाइस। देखिए लॉग वाई को ऐसे ट्रीट कीजिए, एक्स क्या बन गया, लॉग एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन वाई यानी लॉग वाई, और फिर जिसको अपने माइंड में वाई रीड यानी एक्स रीड किया उसका डिफरेंशियल बताओ, वाई का डिफरेंशियल कितना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ में आ गया, तो ध्यान रखेंगे लॉग वाई का डिफरेंशियल आज के बाद वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है गाइस। अब देखिए साइन एक्स को एज इट इज़ कीजिए, क्योंकि दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लॉग एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा गाइस, वन अपॉन एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज़ यानी लॉग एक्स एज इट इज़, बताओ साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा गाइस आपके पास, कॉस एक्स, ठीक है गाइस। इट मीन्स गाइस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू आपके पास आ गया है साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स गाइस, ठीक है। अब वाई क्या आता है गाइस, वाई की वैल्यू रख दीजिए, वाई क्या आता है गाइस, एक्स की पावर साइन एक्स यहाँ पुट कर दीजिए गाइस, तो आपके पास सॉल्यूशन आ गया है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू गाइस आपके पास आ गया गाइस एक्स की पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स गाइस, ये आपके पास फाइनली बन गया है। ओके गाइस, तो गाइज इस तरीके से हम क्वेश्चनों को डील करेंगे। यदि आपको मेरी बात समझ में आ गई कि हमेशा ध्यान रखना, जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो, वो एक्स में भी हो सकती है, वो वाई में भी हो सकती है, डोंट वरी, बस ध्यान रखो फंक्शन की पावर फंक्शन है तो डायरेक्ट टिप अप्लाई कर दो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ओके गाइज, जब ये एक वेरिएबल में हो, सपोज दैट दो कंडीशन में आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल बेस आपको कोई क्वेश्चन इस तरह से गिवन कर देता है गाइज कि y इज इक्वल टू, कोई क्वेश्चन में आ गया गाइज आपके पास कि cos x की पावर sin x प्लस x की पावर sin x गाइज, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो आपके पास दो फंक्शन लिखे हुए, सेपरेट नहीं है, अब कंबाइंड करके लिखे हुए बीच में, क्योंकि साइन किस चीज़ का आ गया, प्लस का। तो अब आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे डील करना है, जब क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए आपके पास। अभी तक मैंने आपको बताया था सिंगल टाइप के क्वेश्चनों को, सिंगल टाइप के क्वेश्चनों में हमेशा डायरेक्ट लॉग ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे, जैसे सिंगल लिखी हो, सिंगल टर्म का क्वेश्चन हो,
किसी टर्म का क्वेश्चन हो, सिंगल टर्म का क्वेश्चन हो, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड डायरेक्ट अप्लाई करो, डायरेक्ट चिपका दो क्वेश्चन को। यदि डबल आ जाए, डबल टर्म पे क्वेश्चन आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखना उसे लेट करके सॉल्व करते हैं, यानी उसमें फंक्शन बना लेंगे। इसे हम यू बोल देंगे और इसे हम वी बोल देंगे, ठीक है ना। जहाँ पर हम लिख देंगे जो यू है हमारे पास वो है कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, और जो हमारे पास वी है गाइस वो है एक्स की पावर साइन एक्स। मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी होगी आपको। तो अब यानी मेरा जो वाई है वो यू और वी, ये दोनों तीनों वेरिएबल्स क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। क्यों डिपेंडेंट होते हैं, अब मैं समझा देता हूँ आपको। देखो यू किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। वी भी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। और मेरा वाई डिपेंड किन पे कर रहा था, एक्स पे कर रहा। तो इट मीन्स यू वी और वाई तीनों कैसे वेरिएबल हो गए, डिपेंडेंट हो गए। तो तीनों डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल हम लोग कैसे करेंगे, ऑन डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स के करेंगे। तो डिपेंडेंट है तो वाई का डिफरेंशियल तुम्हें पता है, dy अपॉन dx लिखते हैं। u का डिफरेंशियल क्या लिखेंगे, क्योंकि डिपेंडेंट हो गए तो du अपॉन dx लिखेंगे। v भी डिपेंडेंट हो गए तो क्या लिखेंगे, dv अपॉन dx। इसलिए मैंने आपको डिफरेंशियल जब शुरू में कराया था उसका इनिशियल पॉइंट समझा के चला था, बेसिक पॉइंट कि जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करते हैं वो अपॉन में करते हैं। क्योंकि यहां पे u भी डिपेंड x पे कर रहा है, v भी डिपेंड x पे कर रहा है, y भी डिपेंड x पे। ओके गाइस, तो तीनों कैसे हो गए आपके पास, तीनों गाइस इसी वे में हो बन गए। ओके गाइस, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि u डिपेंड कर रहा है v पे, सॉरी u डिपेंड कर रहा है x पे, v भी डिपेंड कर रहा है x पे, y भी डिपेंड कर रहा है x पे। तो इट मींस ये कंडीशंस कहाँ चली जाएगी, अब आपके पास ये कंडीशंस हो जाएंगी कि आप y u v को डिपेंडेंट मानते हुए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ओके गाइस, तो गाइस अब समझेंगे, अब हमारा टारगेट क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स निकालना, डी वी अपॉन डी एक्स निकालना, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे गाइस, समझो, u इज इक्वल टू कितना दे रखा आपको इसने, कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, फंक्शन की पावर फंक्शन है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब आप लॉग लेंगे तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, लॉग u इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स की पावर कितनी गाइस, साइन एक्स। तो लॉग साइन एक्स यानी साइन एक्स लॉग कॉस एक्स हो गया गाइस आपके पास, लॉग यू को, ठीक है गाइस। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए गाइस, ऑन डिफरेंशियल आपको पता है डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल लॉग यू एज ए टीट इन योर माइंड एक्स, तो लॉग यू का डिफरेंशियल वन अपॉन यू, फिर यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डी यू अपॉन डी एक्स। अब तीन दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए गाइस, बताओ साइन एक्स एज इट इज, लॉग एक्स, इसको अपने माइंड में एक्स ट्रीट किया, बताओ लॉग एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा गाइस, वन अपॉन x, log x differential 1 upon x, और फिर जिसको हमने x एक्सीड किया उसका differential, cos x का differential guys, minus sin x, plus log cos x as it is, ठीक है, sin x का differential guys कितना आ गया, cos x, it means du upon dx की value आपने get की है, u into sin upon cos guys, ये बन गया tan x, minus k into sin x, plus cos x into log cos x guys, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ गाइज, u की वैल्यू क्या आती गाइज आपके पास, u था गाइज cos x की पावर sin x गाइज, तो आपके पास कितना आ गया, माइनस के tan x इंटू साइन x प्लस cos x इंटू log cos x गाइज, ठीक है। ये तो आई du अपॉन dx की वैल्यू गाइज। उसके बाद आपको क्या करना है गाइज, इसके बाद आपको इसी तरीके से किसकी वैल्यू निकालनी है गाइस, v की वैल्यू, v क्या था, x की पावर sin x। और आई होप अभी मैंने आपको इसे सॉल्व कराया था, आपको क्या कराया था गाइस, x की पावर sin x का क्वेश्चन ये रहा, अभी सॉल्व कराया था, यानी सारा पार्ट अब किस में चले जाएगा, v में आ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास dv अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dv अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी x की पावर sin x, sin x अपॉन x प्लस log x इंटू कॉस एक्स। आई होप पॉइंट आप मेरी बात समझ रहे होंगे, क्या लिखना है मुझे, यानी गाइज जो हमारे पास v था, ठीक है ना, जो गाइज हमारे पास क्या था, v था, वो v क्या था, x की पावर sin x, और इसका मैंने अभी आपको डिफरेंशियल बताया था गाइज कि हम लोग डिफरेंशियल कैसे करते हैं, ठीक है ना, फंक्शन की पावर फंक्शन था, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेके हमने इसे कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके हमारे पास जो फाइनली आंसर आया इसका, ऑन डिफरेंशियल करके डी वी अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आई है गाइज, वो आई है एक्स की पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। इसे आप डू योर सेल्फ सोल्व करेंगे तो गाइज ये गेट हो गया। अब इनकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे फ्रॉम सेकंड में, सेकंड कौन सी थी, जहां आपने ये वैल्यू बना रखी है, ठीक है ना गाइस। क्या बनाई थी आपने, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो निकाली है वो रख दीजिए, ये आपने निकाल रखी है, इस वैल्यू को पुट करेंगे आप तो डी वाई अपॉन डी एक्स की फाइनल वैल्यू आपको निकल जाएगी कितनी, कि कॉस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी गाइज आपके पास, साइन एक्स इंटू माइनस के
टेन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, ये तो डी यू अपॉन डी एक्स प्लस, अब डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू लिख दीजिए, ये निकाली जो आपने, प्लस एक्स की पावर साइन एक्स, साइन एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स गाइज, तो ये फाइनली आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स गेट हो जाएगा। तो गाइज अब आप दोनों तरीके से इस फंक्शन के ऑफ फंक्शन के क्वेश्चनों को समझ गए। यदि गाइज सिंगल क्वेश्चन हो यानी सिंगल टर्म का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेके अप्लाई करके क्वेश्चन को डील करते हैं। यदि डबल टर्म के क्वेश्चन या ट्रिपल टर्म के क्वेश्चन आ जाए तो उन्हें यू वी डब्ल्यू इस तरह से लेट करके क्वेश्चनों को अलग अलग यू वी लेकर डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, फाइनली फिर वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे। ध्यान रखने गाइस इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग इसी तरह से ही डील करते हैं। ओके गाइस आई होप आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ओके गाइस चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ गाइस, लेट्स सी गाइस। ओके गाइस चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल गाइस, अब इस टाइप के भी अब क्वेश्चन समझ लीजिए आप कि यहाँ पे भी हम लोग फंक्शन की पावर फंक्शन ना मानते हुए ये भी क्वेश्चन एक उसी का ही पार्ट है गाइस, जिसमें हम लोग क्वेश्चनों को डील करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यानी जब क्वेश्चन आपको भारी सा कहीं मिल जाए, डिफिकल्ट टाइप में क्वेश्चंस कहीं मिल जाए, या तो इस टाइप में मिल रहा हो या ट्रिग्नोमेट्रिक इस तरह से प्रोडक्ट में चलियो, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सारी प्रोडक्ट में चल रही हो, तो इस टाइप से क्वेश्चन क्या बन रहा हो, बिल्कुल एक डिफिकल्ट टाइप का बन रहा हो, तो वहाँ आप क्या करना, क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए, केवल क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेके भी क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन डिफिकल्ट आपको दिख रहा है, जैसे ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है दिख रहा है, ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट टाइप का दिख रहा है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को डील करने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड के क्वेश्चन का यूज़ करते हैं गाइज। ओके गाइज तो गाइज अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो ये क्वेश्चन लिखा था रूट में, मैंने इसी क्वेश्चन को पहले इसकी फॉर्म में के सही फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया गाइज। अब इसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लो, तो इससे क्या हो, क्वेश्चन काफ़ी इजी सा हो जाता है क्योंकि कैलकुलेशन वर्क काफ़ी इजी हो जाएगा आपके हाथ में। ठीक है गाइज, तो जब भी क्वेश्चन कहीं भारी सा दिखे तो आप हमेशा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड का यूज़ करेंगे गाइज। ओके गाइज तो लॉग ए की पावर एम पावर साइड में आ जाएगी, यानी 1/2 लॉग एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई गाइज 3x² प्लस के 4x प्लस के 5 गाइज, ये हो गया log y के इक्वल। ठीक है अब गाइज थोड़ा सा बेसिकली से समझेंगे, केवल थोड़ा सा तरीका है इसे सॉल्व करने का बस। देखो log m ऊपर नीचे n, तो log m अपॉन n, अभी आज हमने डिस्कस किया गाइज क्या होता है, log m माइनस log n, ये क्लियर हो गया आपको मेरी बात बहुत अच्छे से। ठीक है गाइज अब गाइज ये ध्यान दो, लोग m इंटू n करके लिखा हुआ है ना, दो फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हुए, तो लॉग के केसेस को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं गाइज, ध्यान से समझना गाइज, 1/2 गाइज लॉग m इन प्लस लॉग n, ठीक है गाइज, माइनस लॉग 3x² प्लस के 4x प्लस 5। तो गाइज ये पॉइंट भी अब आपको मेरे आई होप मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि लोग m इंटू n पढ़ के चले गाइज। ओके गाइज बस डिफ्रेंशिएट कर दो, अब क्वेश्चन हो गया इजी। जब क्वेश्चन इजी हो गया तो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बताओ log y का डिफरेंशियल 1/y, फिर y का dy अपॉन dx गाइज, ओके इज इक्वल टू 1/2। बताओ इसको अपने माइंड में एक्सीड करो, बताओ log x का डिफरेंशियल 1/x, फिर जिसको अपने माइंड में एक्सीड किया उसका डिफरेंशियल कितना आ गया 1, प्लस इसको अपने माइंड में एक्सीड किया, बताओ log x का डिफरेंशियल 1/x, फिर जिसको अपने माइंड में एक्सीड किया उसका डिफरेंशियल कितना हो गया 2x, माइनस इसको अपने माइंड में क्या एड किया x, बताओ log x का डिफरेंशियल 1/x, जिसको अपने माइंड में आपने x एड किया उसका डिफरेंशियल बताओ 3x² का डिफरेंशियल 6x प्लस के 4, क्योंकि इसको अपने माइंड में पूरे को x एड किया तो बताओ 3x² का डिफरेंशियल 6x 4x का 4, ये आ गया गाइज। बस गाइज ये हो गया कैलकुलेशन वर्क आपका ईजी, और ये हो गया सॉल्यूशन आपका सॉल्व y अपॉन 2। बस गाइज आपको और कुछ नहीं करना है इसमें, ना कैलकुलेशन करनी है ना कुछ करना है, सिंपल एज इट इज़ इसका क्वेश्चन एज इट इज़ फॉर्म में छोड़ देना, 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस के 4x प्लस के 5 गाइज, ये y क्या था, जो y था उसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए गाइज, फाइनल आपके पास आंसर आ गया 1/2 स्क्वायर रूट गाइज x माइनस 3 एंड x² प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई गाइज 3x² प्लस के 4x प्लस के 5 गाइज, और ये एज इट इज़।
ठीक है। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चनों को डील कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं हो। देखो वो तो ज़रूर है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन पावर हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे, बट गाइज हमें ये भी ध्यान रखना है यदि क्वेश्चन डिफिकल्ट टाइप के मिल जाए तो हम वहाँ पे भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेके क्वेश्चनों को डील कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए हमारे इतना ही टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया गाइज इम्प्लिसिट फंक्शनों का डिफरेंशियल कैसे करते हैं और फंक्शन ऑफ फंक्शन पावर का फंक्शन डिफरेंशियल कैसे करते हैं। गाइज अब हमारे पास इसके बाद केवल ओनली 2 से 3 पैटर्न रह गए हैं गाइज, उसको भी हम बहुत ईजी जल्दी से जल्दी कवर करेंगे गाइज। ओके गाइज आज के लिए इतना ही गाइज, यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।